हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं बच्चों का केमिस्ट्री मेंटर प्रज्वल सिंह। आज बच्चों आपका स्टार्ट करेंगे इंडेक्स का क्वेश्चन, वो बच्चों है आपका 1.15। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहा है बच्चों, एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है। क्या बोला है बच्चों, एक यौगिक है जो षटकोणीय निविड संकुलित संरचना में है और इसमें पूछ रहा है 0.5 मोल। किसमें बच्चों, 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, रिक्तियां आपको दो प्रकार की मिलती हैं बच्चों। रिक्तियां बच्चों दो प्रकार की मिलती हैं। एक क्या होता है चतुष्फलकीय, एक होता है बच्चों आपका चतुष्फलकीय, क्या होता है बच्चों चतुष्फलकीय, और एक होता है बच्चों आपका अष्टफलकीय। क्या होता है बच्चों अष्टफलकीय। रिक्तियां कितने प्रकार की मिलती है बच्चों, एक चतुष्फलकीय और एक क्या होता है आपका अष्टफलकीय। इतनी बातें समझ में आई। अब बच्चों चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वो चार परमाणुओं से मिलकर बनती है। कितने परमाणुओं से, चार परमाणुओं से मिलकर बनती है। और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है बच्चों वह 6 परमाणुओं से मिलकर बनती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर आपको रिक्ति पढ़नी है तो आप जाइए आपका प्लेलिस्ट में, आपका रिक्तियों के संबंध में लेक्चर पढ़ा होगा। अब बच्चों आपको बता रहे अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे निकालेंगे। जैसे बच्चों अगर बच्चों आपके पास यन परमाणु हो तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति होगी बच्चों, अगर बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी तो आप उसे हमेशा बताइए कितनी होगी, 2n होगी। क्या होगी बच्चों, 2n। और आपसे कोई पूछ ले बच्चा कि अष्टफलकीय, क्या बच्चा अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होगी, तो अष्टफलकीय रिक्ति आप कितनी बताएंगे, n होगी। क्या इतनी बात समझ में आया। अगर n परमाणु हो, कितने परमाणु, n, तो चतुष्फलकीय रिक्ति 2n, अष्टफलकीय रिक्ति n। क्या इतनी बातें समझ में आई। हाँ तो आइए बच्चों इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास कितने हैं, कुल मोल बच्चों कितने हैं, 0.5 हैं। कितने हैं बच्चों, 0.5 हैं। तो आप बताइए बच्चों, आपने एक बात पढ़ रखी होगी अवोगद्रो संख्या। अवोगद्रो संख्या क्या कहती है कि एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 6.023 × 10³³। ये लिख लिया जाए क्या बच्चों, एक मोल में जो बच्चों आपके परमाणु अणु या आयन होंगे, एक मोल में जो परमाणु होते 6.023 × 10³³ होती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवोगद्रो संख्या कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों, एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। बच्चों आप बच्चों खुद बताइए कि 0.5 मोल में कितने परमाणु होंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर 0.5 × 6.023 × 10³³। तो मल्टीप्लाई बच्चों कर लीजिए तो क्या होगा, 6.023 × 10³³। क्या इतनी बातें आई समझ में, अब मल्टीप्लाई बच्चा कीजिए, 5 × 15 = 5 हाथ में आए 1, अब 5 × 2 = 10, 10 × 11 हाथ में आए 1, 5 × 0 = 0 और 1 बच्चा, और बच्चों क्या है 10³ × 5 = 30 × 10³³। कितना आ गया बच्चों, 30.115 × 10³³ परमाणु आ गए आपके। क्या इतने बात समझ में आई, क्या इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आई। हाँ तो क्या क्या बच्चों पूछा है, चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी बच्चों, 2n होगी। कितनी होगी बच्चों, 2n होगी। सोचा पहुँच करते ठीक है बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया। लेकिन बच्चों एक बात देखिए, यहाँ पर दशमलव कितने के बाद है बच्चों, 3 अंक के बाद है, और यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद है, तो दशमलव कितने पे लगेगा बच्चों, 4 अंक के बाद लगेगा। तो क्या है बच्चों हमारा, क्या आ गया, 3.0115 × 10³³ परमाणु होंगे। इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों आप देखिए कि चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी, 2n होगी। कितनी होगी, 2n होगी। तो हम यहाँ बच्चों लिख रहे हैं आपका चतुष्फलकीय रिक्ति बराबर 2 × n का मान बच्चों यही है ना, 3.0115 × 10³³। अब बच्चा ये बताइए
पाँच दुनी दस के जीरो हाथ में है एक, दो एक नम दो एक तीन, दो एक नम दो, दो शून्य शून्य और तीन दुनी छः। कितना आगे बच्चा रिक्ति, कितनी रिक्ति आगे बच्चा, कितनी रिक्ति आ गई आप देखिए, आप देखेंगे आपकी जो रिक्ति है कितनी है बच्चों, 6.023 गुणे 10 घात 23 चतुष्फल की रिक्ति मिल गई। तो ये तो बच्चों आपका खत्म हो गया। और क्या पूछा बच्चों, कुल रिक्ति पूछा है, मतलब आपको अष्टफल की रिक्ति भी चाहिए, तो आ जाइए अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी बच्चों, यन होगी। कितनी होगी, यन होगी बच्चों। तो जो अष्टफल की रिक्ति होगी बच्चों, तो अष्टफल की रिक्ति क्या बच्चों, अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी बच्चों, कितने परमाणु हैं आपके, 3.0115 गुणे 10 घात 23। ये क्या होगा बच्चों, अष्टफल की रिक्ति होगी, अष्टफल की रिक्ति होगी। क्या इतनी बातें आई आपको समझ में? हाँ। तो देखिए बच्चों, आपसे क्या पूछा है, कुल रिक्ति पूछा है, तो कुल रिक्ति कितनी होगी आप खुद बताइए, कुल रिक्ति कितनी होगी, कुल रिक्ति बराबर क्या होगा बच्चा, चतुष्फल की रिक्ति। क्या बच्चा, चतुष्फल की रिक्ति और प्लस अष्टफल की रिक्ति। तो बच्चों कुल रिक्ति कितनी होगी, चतुष्फल की रिक्ति प्लस बच्चों क्या, अष्टफल की रिक्ति। क्या बच्चा, अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। मेरे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चतुष्फल की रिक्ति कितने हैं बच्चा, चतुष्फल की रिक्ति कितनी है खुद बताइए, 6.023 गुणे 10 घाते 23 प्लस बच्चों अष्टफल की रिक्ति कितनी है, यू कैन सी हियर, इट विल बी हियर 3.0115 एंड 10^23। आफ्टर एडिंग इसे बच्चों यदि हम ऐड कर दें तो हमें टोटल रिक्ति मिल जाएगी, टोटल रिक्ति मिल जाएगी। तो ऐड कीजिए बच्चा, 10^23 यहाँ पर भी, 10^23 यहाँ पर भी, तो 10^23 बच्चों हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बच्चा, 6.023 और गुड़े सॉरी प्लस 3.0115 बच्चों, इसे आप ऐड करके बताइए कितना होगा, 6.023 और 3.0115 कितना होगा बच्चों, 5 3 1 4 2 1 3 0.639। तो कुल रिक्ति बच्चों कितना आ गई खुद बताइए बच्चों, 10^23 इंटू कितना आ गया बच्चों, 9.0345। ये बच्चों कुल रिक्ति है, ये बच्चों आपकी कुल रिक्ति है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, वो क्या होगा बच्चों, 1.15 अब होगा आपका 1.16। तो ठीक है बच्चों, अब आपका ये क्वेश्चन देखेंगे, एक यौगिक है जो दो तत्वों से बना हुआ, यम और यन से बना हुआ है, और तत्व यन CCP संरचना में बच्चों क्या होता है, व्यवस्थित होता है, और यम चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को क्या करता है, अध्यासित करता है, घेरता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यह काम होगा कि आपकी संरचना क्या दी है बच्चों, CCP दिया है, क्या दिया है, CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग। अब बच्चों ये है क्या आपका, CCP है क्या, सबसे पहले बच्चों हमने मान लिया, माना CCP में कुल परमाणु कितने बच्चों, यन है, कितने बच्चों, यन है, माना CCP में कुल परमाणु कितने बच्चों, यन है। तो दो तत्व यम और यन से बना हुआ, यन तत्व जो आपका यन है CCP संरचना में व्यवस्थित होता है, और यम चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। तो बच्चों CCP में कुल आपकी जो इन चतुष्फल की रिक्तियां होंगी, तो कुल चतुष्फल की, तो कुल एन चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी बच्चा, 2n होगी, कितनी होगी बच्चा, 2n होगी। और एम चतुष्फल की रिक्ति कितना दिया बच्चों, एम चतुष्फल की रिक्ति कितना दिया बच्चों बताइए, 1/3 दिया है, क्या दिया है, 1/3 n दिया है, ठीक ना। तो बच्चों इसमें क्या पूछा है, यौगिक का सूत्र बताइए, क्या पूछा है आपसे, यौगिक का सूत्र बताइए। तो हमने बताया था जब भी किसी यौगिक का सूत्र रखना है तो दोनों जितने भी आपको परमाणु दिए तो सब परमाणु को आप ले लीजिए, उनका क्या निकले, रेशियो निकालिए। तो इसका बच्चों क्या है, यम का क्या है, 1/3 है बच्चों, क्या है यन का, 1/3 है,
और यन का बच्चों क्या है, टू है, क्या बच्चों, टू है। तो टू बच्चों यहाँ पर भेज दिए और थ्री यहाँ पर भेज दिए, तो टू यहाँ पर बच्चों आ गया और थ्री बच्चों यहाँ पर, टू टू रेशियो थ्री हो गया। तो यम का बच्चों क्या है, यम का बच्चों क्या है, टू है, और यन का बच्चों क्या है, थ्री है। तो आप क्या लिखेंगे, यम टू और एन थ्री, ये क्या होगा आपके क्रिस्टल का सूत्र होगा। तो ठीक है बच्चों, आई होप यह वीडियो बच्चों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।